हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। एक जगह देखो, सुबह सुबह मैं पी रहा हूँ प्रोटीन शेक और एक जगह खुल रहे हैं छोले कुलचे। गाइस, मेरी इच्छा थी नहीं, वो तो जबरदस्ती मेरे लेके खिलाया जा रहा है और पूरे घर में इकलौता यही इंसान है जो आज छोले कुलचे खा रहा है। और मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, ये आता है खाता है और यहीं से शूटिंग पे चला जाता है। हाँ। आता है यही नहाता है और या फिर छोले कुलचे खाता है अभी फिर शूटिंग पे चला जाएगा शादियों की। आज सुबह वेडिंग से आया हूँ यार। हाँ, आज पे हाथ रख के परम खाता हूँ। परम क्या? कसम, कसम खाता हूँ कि एक महीने में एक बार हम मिलेंगे और जब मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे। अच्छा, तुम दोनों? मैं और ये। इतनी गर्मी लग रही थी इसलिए कितनी बड़ी खिड़की बनवा ली। होली पे काम आ जाएगी, होली पे काम आ जाएगी। होली के दिन पहनना सर ये। अरे ये नए कपड़े, ये ऐसे कपड़े ले भाई, ये तेरा मास्क। गाइस, मैं ये कह रही थी कि तुम लोग जा रहे हो? हाँ, जा रहे हैं हम लोग। अगर मेरे पापा फ्री ही नहीं हुए तो वो कैसे आएंगे? तो फिर कैंसिल कर लो अपॉइंटमेंट। 6 बजे चल जाना, 6 बजे, 6:30 चल जाना। डॉक्टर, अरे अंकल के साथ बोल रहा हूँ, हम तो रात को आएंगे। फोन करके बात कर लेना अंकल से, अभी बोल लेना, बात कर ले। सुन देख, आज ना हम दोस्त वही पहले तो कपड़े पहन तू ना। अब हम चारों पांचों दोस्त जा रहे हैं भाई यार, हम घूमने फिरने थोड़ा सा। तुम घूमने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो? अरे व्हाट एवर, टू एंड वन एंड टू, कुछ भी करने जाओ, हम तो छोनू बेटी को बुला रहे हैं। अरे बुलाती रहे ओनू बेटी को, रुक जाएंगे तो रोक लो। रुक रहे, जाऊंगा तुम्हारे साथ। चल 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 निकल, सुन चुप हो जा, ज्यादा बोला उसका। चल अपना काम यार, लेकिन सूरज सच बता रही हूँ, डैडी फ्री नहीं हुए तो यार फिर हम कुछ नहीं कर सकते भाई। फिर तूने अपॉइंटमेंट तूने लिया है डॉक्टर से, मैंने नहीं लिया। मना कर दे कॉल करके, मतलब मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ इन टाको से, इसको घूमने की सोच रही है। अभी तो काम बोल रही थी उस घूमने को हमारे। काम तो तुम मेरे को लग नहीं रहा ना करोगे? अरे दी, काम के पर्पस ही जा रहे हैं। अरे टीपू भैया, तो हमारा मन ही नहीं। सर चेंज कर लो यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार, आज 23 मंजिल का व्यू मिला है। और जयपुर वालों, सालों गर्मी आ गई बहुत तेज, धूप पड़ रही है बहुत तेज। कल रात को ना उस रूम में सोया, हाँ। इतनी भयंकर गर्मी लग रही है, पंखा चलाया वहाँ का यार, रेगुलेटर खराब है, नहीं तो मैं उसको बहुत तेज चल रहा था पंखा, कम पे चलता ना, पूरी रात चला के सोता। तो मैं ना रजाई ओढ़ के सोता हूँ। जब तक अपन तो चलते हैं, चलो घूमने। एक्चुअली ना घूमने तो नहीं जा रहे हम लोग, थोड़ी अच्छी अच्छी लोकेशन पे जा रहे हैं हम लोग। सच बोल दे, ब्रांड शूट करा दे, भगवान कर ले। ये एक चीज है जो सही से बोल पाता है इंग्लिश में। चॉकलेट का नाम, नहीं चॉकलेट का नाम, चॉकलेट चॉकलेट का नाम रेड। जल्दी बोल एक साथ। एक और चीज, हम लोगों ने सुबह स्टॉकीज वापस से स्टार्ट कर दिया है बहुत टाइम बाद, तो वहां पर अब रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। अभी एक वीडियो हम लोगों ने डाल दिया ऑलरेडी, तो कमेंट बॉक्स में लिंक के जाके चेक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यस, सो गाइस अभी हम जा रहे हैं। आजकल मेरे को मजा आता है, जो सीट पे बैठता हूँ उससे व्लॉगिंग कराओ। अभी आते हुए हितेश से करवाऊंगा, बैंकर ही करता हूँ तुम्हें पता है। अदरवाइज अभी हम जा रहे हैं शूट पे और ब्रांड शूट कर रहे हैं अपना। आर 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 आर। तो चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। हम लोग ना बस 5 बजे निकल लिए हैं मस्ती करने के लिए, थोड़ा बहुत शूट भी कर लेंगे, मस्ती भी कर लेंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुयश ब्लॉग्स। पता है क्या बोले हितेश भैया, कि टीपू भी आप रहने दो, आपके बस की बात नहीं, व्लॉगिंग कैमरा पीछे दे दो, पीछे ले लिया। टीपू भी आपको आता क्या, एक चीज बताओ, फोटोग्राफर बन जाओ अपने आप में यार। और आप है ना 82,000 लोगों को लेके बैठे हो इंस्टाग्राम पे, और आप सिखाते तो कुछ हो नहीं, बस फोटो भेज देते हो कौन कौन सी उनको। गाइस जी देखो, अरे हाथ आ जाता है। देखो अभी हम लोग आए हैं महारानियों की छतरी, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, मैं कभी आया नहीं हूँ, टिक भाई ने बताई, तो आज यहाँ पर जाते हैं अंदर एक बार। लेट्स एक्सप्लोर दिस। भाई देखो ये पेड़ के पत्ते झड़ गए, पता भी था कि इस जगह के बारे में। ये देखो, वैसे अंदर शूट अलाउड नहीं है। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है, यहाँ पे ना जयपुर में दो टाइप की, एक है रानी की छतरी, हाँ। एक महाराजा की छतरी है ना। अच्छा, रानी की छतरी लाइक रानी जो एक्सपायर होती थी, हाँ। उसकी याद में बनाते थे। अच्छा, उसकी वो नहीं है, बॉडी नहीं है, हाँ। बट उसकी याद में एक छतरी बनाते, जैसे ये है, हाँ। क्योंकि मेन रानी के नाम मुझे याद नहीं है बस, हाँ। छोटी छोटी। अच्छा, काफी सारे बने हुए हैं। ये देखो हमारे जयपुर के टूर गाइड, अगर कोई भी जयपुर आए तो इनको बुला लेना। और पतंग भी उड़ा रहे हैं भाई, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं यार, कितनी बड़ी जगह है, काफी बड़ी। इस सूरज भी और तो गए शूट करवाने, और मैं और सर पतंगबाजी चल रही है हमारी, तो बच्चों से पतंग ले ली हमने, वो रही हमारी पतंग। भाई सर ने पतंग कटवा ली, लोग आए जिसका यहाँ भी चालू हो गया पतंग, और ये बच्चों की पतंग मार ली इसने। छोटू ले ले तेरी पतंग, ले ले से। नहीं।
बड़े यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर है सब जानते तो हैं। टीपू भैया ने भी दे दी पतंग लंबी और ये लड़ा रहे। देव देव लड़ाओ लड़ाओ टीपू भैया, खींच जाओ खींच जाओ खींच जाओ, खींचो खींचो टीपू भैया, खींचो 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 खींचो। हाँ टीपू भैया, अरे कटवा लिए, भागो 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 भागो, ये री भागो भागो टीपू भैया, भागो तेज भागो, लूट ली। अच्छा अभी हम लोगों ने यहाँ पर गार्ड से बात करी, उन्होंने बताया कि 300 साल से जितनी भी रानियां हैं उनकी मेमोरीज में यहाँ पर एक छतरी बनाई जाती है, मतलब अलग अलग तरीके की बनाई जाती है, उसका कोई पीछे लॉजिक हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हर रानी के लिए एक छतरी बनाई जाती है। अब अलग अलग मेरी भी रानी होती ना तो मैं ही बनवाता पहले राजा तो बन जाऊं। देखो अब सिटी में घूम रहे हैं तो यहाँ तो देखो बहुत ट्रैफिक हो रहा था भयंकर, हमें है ना मुश्किल से 10 मिनट के रास्ते में ऑलमोस्ट 40 मिनट लग चुके हैं। अब सिटी में ना खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी एक बहुत फेमस पताशी वाला है, SP DSP पताशी, तो बहुत फेमस है, मतलब वो नंबर लगाने गए हैं वो बाकी सारे लोग, क्योंकि बहुत भीड़ लगती है उनके, तो आज ट्राई करते हैं। सुना बहुत है, खाएगा भी नहीं, वैसे हिल से पताशी खिलाते हैं इंसान। ओ भाई साहब कितनी भीड़ है, देखो ये देखो लाल वाले अंकल, ये देखो देखना कैसे नाचेंगे, ये देखो ये देखो ये हिलते रहते हैं ऐसे भाई, एक साथ 25 जनों को पताशे खिलाते हैं ये। इन्हें क्या, देखो सीधी सी बात है, पताशे खा रहे सब है ना, पहली बार खा रहे हो सब। हाँ मजे से कहेंगे, पहले एक नॉर्मल बोलेंगे SP, हाँ। फिर कहेंगे DSP, मतलब सीन क्या है इनका, SP DSP मिर्ची बढ़ती जाती है। और पता है उसको उतारने का इनका तरीका भी है क्या, बाई चांस अगर आपको ज्यादा मिर्ची लग रही है ना, हाँ। तो ये एक चीज देंगे खाने के लिए, एक पापड़ी टाइप देते हैं, हाँ। पता नहीं इसमें क्या डालते, मुझे पता नहीं, लेकिन उससे ऑटोमेटिकली पूरी क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को पता है कि ये जो आइसक्रीम वाला खड़ा है ना, इसका जानकारी है, ये दोनों दोस्त है, ये बहुत तेज मिर्ची खिलाते हैं और लोग भागते हैं उधर, ये दोनों बिजनेस पताशे वाले भैया को भेज दो शार्क टैंक में। तो बोले मैं आपको 50 लाख का मांग रहा हूं। अरे आ गए आ गए आ गए, आप तो पताशे आने दो, आ गए आ गए, आगे बताना कैसी है पताशी, तो अच्छी है। येलो येलो राउंड चेंज होने का सिग्नल होता है, बार पता खाने के बाद आधे घंटे तक ऐसे खड़े रहो, मिर्ची लग गई थी टिश्यू लेने गए कहा भैया। देखो दोस्तों SP DSP सारी पताशे खा ली हम लोगों ने, पानी पी लिया, और लेकिन एक इंसान ने ना टिब्बे हमारे बेचारे टिब्बे ने सबको पताशे खिलाई, भानु पानी लेके आया, एक जना टिश्यू लेके आया, एक जना खुद के लिए आइसक्रीम ला के खा गया, और पता है मैंने मांगी ना मना कर दी, बताओ एक बाइट नहीं खाने दिया, एक गास खिला दो पूरी खा गया, ऐसे ही है अपने लिए, कोई चीज मत खाना, अब तो एक दाना नहीं लाऊंगा आपके लिए मिठाई का। मैं मेरी बात सुन, टिपू को 6 बाइट सुन, चल तूने कितनों से पूछा कि आइसक्रीम खाने के सबको, भाई मैं क्यों पूछूंगा, मुझे मुझे मिर्ची लग रही है, मैंने आइसक्रीम खा ली तो तुमने, मैंने तुमसे पूछा भी था खाओगे या तुम पानी, वहाँ पर चुपचाप बातें करा भैया, ये डबल चॉकलेट वाली कौन सी, अरे वो भाई मैं भानु को दिला रहा था कि 20-20 की, वो सोचा कि 40 की 20 की, झूठा है झूठा है, अरे 20 से ले यार, अरे ले ले, अगर उसे 20 की मिल गई ना तो सबके लिए हो गया, सबको खिलाओ, और 5-5 चॉकलेट खिलाओ, चलो चलो, अरे पूछने वाली बात नहीं, भीड़ लग रही है अपन को जाना है भैया, रोको रे यार आप, एक सेकंड कांच खोलो, डीपी कांच खोलो, बुलाओ इसको बुलाओ, अरे कहाँ गया, अरे गया वो, गया बंदा गया, अरे यार रुको 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 रुको, आएगा आएगा भैया, एक मिनट रुको, एक मिनट में ट्रैफिक लग जाएगा, अरे गया गया, अरे यार भाई मैं झूठा, मैं भाई ये झूठे, अरे भाई दे रहा था आइसक्रीम भाई, उसको बोला था मेरा 20 वाली आइसक्रीम है, अगर तुम्हें चाहे तो मैं, अगर आइसक्रीम खानी हो ना तो अगले वाले पे रोक लेना, अगले आप खिला दूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर पे मम्मी से मिलने आया भाई, मिठाई विठाई तो लेकर आया करो भाई यार, तुम लोग यार मिठाई लाया करो, तुम यार क्या मतलब खर्चा करते नहीं, मालिक का बाप कर देता है ना, तो बाप को पता अलग है, वो तो मेरा भी बाप है, मालिक का भी बाप है, अलग बात है, बड़े मालिक है तो मकान मालिक बड़े, वीडियो में आ रहा है तुझे, बड़े भैया को कम से कम खर्चा तो करना चाहिए, तो तेरे से तो छोटा है ना भैया, क्यों छोटा क्यों है, मेरे से बड़े हैं, नहीं छोटा है, तेरे बच्चे हो गए, ऐसे क्या खर्चा करूं, क्या खर्चा करना है,
खर्चा किया मेरे को कुछ नहीं चाहिए। चलना ठीक है बाय। आंटी और क्या क्या नाम है इनका? सूरज लाल सिंह, सोनू, सोनू और शिकारी। चीनू, इसके नाम सारी मामा माई है, चीनू बोलते हैं इसे। अच्छा चलो चीनू भैया यार चले। शिकारी भाई, शिकारी भाई चलो यार। शिकारी तो भाई वो चिडू चिडू से चिडू ज्यादा मस्त बोलते हैं यार। अभी अभी वीडियो अभी वीडियो अभी दिखा दिखा। मैं घर जा रही थी लेकिन अंकल अभी आए हैं। घर जा रही थी ऐसे मकान थे, मैं जा रही थी। अच्छा अच्छा वीडियो आ गई। नमस्ते कर रहा हूँ। राधे राधे। राधे राधे मम्मी। मम्मी स्मेल आई थोड़ी सी, क्या ये इसी ने किया है? दिखा। अरे बाप रे, कोलगेट लगाते ना इसमें। लगाई दवाई लगाई है। मम्मी आपका ये बेटा कुछ कर रहा है गड़बड़, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा। मम्मी इसका क्या करना है, ये तो चलता ही नहीं है। अगला लो 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 मम्मी उठाओ, ठंड लग जाए। अरे राम बेटा चलना सीख ले। मौजी बोली चलना सीखो, जल्दी सीखो चलना। अरे भाई ये एक साल का हो चुका है लेकिन ये चलना नहीं जानता भाई, हमारे थोड़ी दिक्कत है। ना बोलेगा अगला। अरे क्या हो गया? अरे भाई फोटी कर दी। सही है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, बस घर में थोड़ी सी स्मेल है, कोई बात नहीं। प्यारी बेटी है। डैडी को करवाना चाहिए। मीकू ने इससे फोन छीन लिया, इसने लिटरली अपने मुंह से बोला दे दो दे दो। क्या बेटी बड़ी हो रही है? बड़ी हो रही है मेरी बेटी। दे दो बोल दो एक बार, दे दो। अब नहीं बोलेगा दे दो, ला बोलो दे दो, दे दो बोल दो, दे दो ऐसे बोलो, दे दो बोलो, दे दो दे दो दे दो। और गाइस आज गुटली ने दे दो बोला, तेरे को समझ दे दो। अरे वो देखो पहली मांग रहा है ना। गाड़ी से फोटी भीगी है। आजा शाबाश। आज अंकल तैयार हो गए, देखे नहीं क्या? नहीं यार इसमें तो आते हैं हमेशा। नहीं अरे फ्लैट कर रहे। अरे यार आपने इनर क्यों पहन रखा, गर्मी हो गई अब तो यार। इनके लिए भी सर्दी है। मेरे को तो अभी ठंड लग रही। अरे भाई अरे क्या होती है, तुम लोगों का फोन नहीं आया तो मैं समझ गया था कि भाई गुटली आ चुका है यहाँ पे। गंजू बेटी खाए हो? हाँ कोई गिफ्ट आया क्या? खोल दो सरी, जो अच्छा होगा वो मेरा ले लूंगा मैं। अरे भाई भाई साहब। अच्छा ये मैं बताऊँ, ये रियल वाली वो है हाँ। जिन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है जेना, और ये मेरा है। और भाई मुझे तो लगा ये तेरे वाले ही दोनों। नहीं नहीं नहीं, ये रियल कैरेक्टर्स ने प्ले किया और ये मेरा। बहुत अच्छा बनाया यार, शानदार है भाई। तो बहुत प्यारा उनके, लेकिन वो जो एक्ट्रेस है उसकी चीक हो रहे मेरे नहीं है यार, शानदार। थैंक यू सो मच सना, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। बाय बाय भाई नहीं जा रहा है तो। चलो भाई इसको गाड़ी में बिठा के आएंगे। गाड़ी में ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? गाड़ी बैठना बूम बूम। अच्छा भाई खाना लगा लो। खाना क्या हो गया भाई? वो तो ठीक है, मैं बस बोलना चाह रहा हूँ भाई, मीकू की शादी होगी आने वाले 10 साल बाद, कभी भी हो मीकू ऐसे करेगी। बताइए इसकी आदत स्टेज पे बैठी है दूल्हे के साथ। इसकी सास कैसे कर देगी? यार हमें सबसे ज्यादा कॉमेडी वाला एक मजा आएगा ना वो इसी के साथ। हम बैठते हैं चारों पांचों आपस में, तो ये खुद की बात बताते हैं कि भैया मेरे साथ स्कूल टाइम में ये हुआ था, वो खुद की बताता है, मैं खुद की बताता हूँ, और ये कुछ है ही नहीं बताने को। तेरे लाइफ में कुछ है क्या? नहीं ये स्कूल लाइफ में भी वही 4 तरीके की टॉफी। अरे नहीं, वो गोला गोला।
आम पापड़ वगैरह सब रहते थे क्योंकि जहाँ इसकी बहन खड़ी होती थी नॉर्थ साइड की तरफ ही जाता था साइकिल लेने के लिए, ये और इसका भाई छोटा वाला, ये तो उधर चली जाती थी पैदल पैदल जाती थी ये और पर हाइट में तो नहीं, हाइट में तो इतनी रह सकती है, ये तो मैक्सिमम है। कैसी लगी? और फिर मोटी होके बैठे स्टेज ब्राइड बनके स्टेज के ऊपर, और अब भाई मतलब इतना हंसू इतना हंसू कोई याद नहीं है। थोड़ी सी मोटी होती है लुढ़कने लग जाए। कस्टर्ड खा के बताओ कैसा है? कैसा है? कैसा मुंह बनाया है? क्या हुआ? मैं ले जाऊं इसको तो। भाई इतना खराब कौन बना सकता है यार, मतलब मैनर्स वैनर्स है क्या? डिस्कशन ले यार, खा रहे आ रहे तो पा ले। अरे भाई बताओगे लोग मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भानु भाई ने खाते तो बहुत टेस्टी बना। ये कौन सा झूठ होता है एक चीज बताना भाई, ये झूठ होता है। वेरी गुड दीदी, खिला दिया। अच्छा नहीं है भाई, दे दो भाई, तेज जाओ वापस। बदतमीज, अब इसको खाओ बदतमीज, जो पिटूंगी। ये देखो, अरे मेरा नहीं है ये, इसका है भानु का झूठी। अच्छा गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर दे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।